तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूं कि यूएई यूनाइटेड अरब इमारात की कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा जॉब मिलता है, जो लोग जॉब के लिए आते हैं यूएई में। बहुत सारे लोग जानते हैं सिर्फ दुबई, लेकिन यहां ये जो है यूनाइटेड अरब इमारात, और इसमें 7 सिटी है, बहुत बड़े बड़े 7 सिटी हैं। 7 इमारेट्स को मिला के एक ये यूएई बनाया गया है, जिसका नाम है यूनाइटेड अरब इमारात, शॉर्ट नेम है यूएई। बहुत सारे लोग सिर्फ दुबई जानते हैं, और आपको अगर एजेंट काम कराएगा तो वो भी आपको दुबई बोल के ही भेजता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है 7 इमारात है, पहले आप समझ लो, या फिर आप गूगल कर सकते हो यहाँ पे कि 7 इमारात कौन कौन सा है यहाँ पे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि इस यूएई में सबसे ज़्यादा जॉब किस सिटी में मिलता है, किस स्टेट में मिलता है, ये 7 इमारात में। सो नंबर 1 पे जो है वो है शारजा। शारजा बहुत बड़ा एरिया है, और यूएई का ये बहुत ही बड़ा सिटी है, बहुत ही बड़ा स्टेट है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब मिलता है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकलता है वो भी यहीं पे निकलता है शारजा में। अगर आपके रिश्तेदार या आपके गांव वाले होंगे तो आप उनसे बात कर सकते हो, वो लोग भी आपको बताएंगे कि शारजा में ही सबसे ज़्यादा इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली और नेपाली वगैरह बहुत सारे लोग ये शारजा एरिया में सबसे ज़्यादा है। और इधर सबसे ज़्यादा लेबर कैंप जो है वो भी शारजा में ही है। नंबर 2 पे जो है वो है अजमान। अजमान भी एक बहुत ही बड़ा सिटी है, और वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा ये आपको इंडियन पाकिस्तानी मिलेगा। आप अगर उधर जाते हो तो ऐसा लगेगा जैसे आप इंडिया में आ गए हो। तो ये हाँ, तो अजमान में भी सबसे ज़्यादा जॉब मिलता है, और वहाँ पे भी बहुत सारा वैकेंसी निकलता है। अगर आपकी कंपनी दुबई में भी है तो वो आपको सीधा अजमान में या शारजा में आपको रखती है, क्योंकि उधर लेबर कैंप सबसे ज़्यादा है। नंबर 3 पे जो है वो है सोनापुर। सोनापुर में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलता है, और उधर भी लेबर कैंप बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही बड़ा बड़ा लेबर कैंप है। सिर्फ नाम के लिए आपका जो कंपनी है वो है दुबई में, लेकिन अगर आप काम करते हो तो वो सोनापुर एरिया में या उससे बाहर, आपका जो कैंप रहता है वो भी सोनापुर, शारजा, अजमान, इस एरिया में रहता है। नंबर 4 पे जो है वो है फुजरा। नंबर 4 पे जो है वो भी है फुजरा। फुजरा भी एक बहुत ही बड़ा सिटी है, आपने नाम सुना होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन जो ये फुजरा सिटी है वो भी बहुत ही बड़ा एक सिटी है, और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी मिल जाएंगे। यहाँ पे भी बहुत वैकेंसी निकलता है, जॉब वैकेंसी। और ये जो फुजरा है बहुत ही बड़ा सिटी है और खूबसूरत सिटी है, आप गूगल पे चेक कर सकते हो, और यहाँ पे भी वैकेंसी बहुत निकलता है। यहाँ पे कंपनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैंप है, फुजरा इलाके में सबसे ज़्यादा कैंप है। और नंबर 5 पे है वो है दुबई। दुबई बहुत ही बड़ा सिटी है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से ही देख चुके हो। जो भी एजेंट अगर आपको भेजता है यहाँ पे यूएई में बोल के, दुबई में बोल के, तो सबसे पहले आपको बोलेगा कि ये आपका दुबई का वीज़ा है, लेकिन आप दुबई में काम नहीं करते हो, आपको अजमान, शारजा, देहरा हो गया, या फिर सोनापुर हो गया, फुजरा हो गया, अलैन हो गया, उमाऊ कोइन, रसल खेमा, ये पूरा स्टेट है, सिटी है, बहुत बड़ा सिटी है, इधर आपको काम करने को मिलता है। दुबई जो स्पेशली जो दुबई है वो है सिर्फ टूरिस्ट के लिए है, तो उसमें आपको लेबर कैंप कभी नहीं देगा कंपनी। अब कभी कभी जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसका खुद का बिल्डिंग है, बहुत ही बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, 5 फ्लोर, 10 फ्लोर ऐसा करके बिल्डिंग है उन लोग का खुद का, और बहुत ही अच्छा कैंप है उन लोग का, तो वो है लेबर कैंप, कुछ परसेंट रहता है, 100 में से 5%, 10% लेबर कैंप जो है वो है दुबई में, बाकी टोटल आउटसाइड एरिया में है, क्योंकि दुबई जो है वो स्पेशल टूरिस्ट के लिए बनाया गया है, तो वहाँ पे आपको काम करने को नहीं मिलेगा, आपको रहने को नहीं मिलेगा। आपको काम करने को मिल सकता है वहाँ पे दुबई में अगर कुछ काम है, और बहुत सारे लोग लेबर लोग दुबई में काम करते हैं, लेकिन आप उनसे बात करो तो उनका कैंप जो है वो दुबई से बाहर है, या फिर दुबई का पुणे पे रहता है। तो यहाँ पे अगर आपको एजेंट बोलता है कि आपका दुबई का वीजा है, तो आप उनसे पहले बात करो कि दुबई में किधर का है, दुबई में या फिर यूएई में किधर का है, क्योंकि ये जो है पूरा
पूरा यूएई है, यूनाइटेड अरब इमारात इसका फुल नेम है, और ये बना है सात इमारात को मिला के एक यूनाइटेड अरब बना है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये टोटल जानकारी आपके पास रहनी चाहिए, नहीं तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। वैसे यूएई में भी बहुत सारा जो एरिया है वो कचड़ा एरिया है, तो वहाँ पे अगर आपको डालता है ना आप बहुत, जैसे एक हत्ता एरिया है, हत्ता जो है ओमान का बॉर्डर पे है, वो बहुत आउट एरिया में रहते हैं, उधर मार्केट भी बड़ा नहीं है और हॉस्पिटल वगैरह कुछ खास अच्छा नहीं है, क्योंकि वो ओमान के बॉर्डर के पास है, वो जो है बॉर्डर के पास है ओमान बॉर्डर के पास, तो उधर उतना अच्छा एरिया नहीं है। इसी एरिया में एजेंट आपको फंसाते हैं ले जाके, ताकि आप वहाँ से नहीं आ सकते हो, क्योंकि पासपोर्ट आपका आपकी कंपनी के पास रहता है तो आप नहीं आ सकते हो वहाँ से। तो आप अगर आप यहाँ पे आते हो, आपने काम कराया हुआ है एजेंट के थ्रू, तो आप सबसे पहले आप पता करो किस एरिया में है, किस सिटी में है। दुबई के नाम पे अगर वो भेजता है तो आप पहले बात करो कि दुबई में किस एरिया में है, और यहाँ पे जो रहता है उससे आप बात कर सकते हो, या फिर आप गूगल पे चेक कर सकते हो इस एरिया के बारे में। ऐसे दुबई के नाम पे ना आया करो, क्योंकि दुबई में आपको जॉब नहीं मिलता है, कुछ परसेंट जो है वो जॉब मिलता है होटल का हो गया, या फिर मॉल का हो गया, ऑफिस लाइन हो गया, ये सब का जॉब ज़्यादा मिलता है। आपको काम करने को सिर्फ दुबई में मिलेगा, लेकिन आपका जो रूम वगैरह रहता है वो आपको आउटसाइड में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका रूम दुबई में मिलेगा, आपने काम ख़त्म किया और दुबई घूमने आप निकल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो हाई पोस्ट पे रहते हैं उनका ही दुबई में रूम मिलता है, और बाकी जो लेबर कैंप है वो कैंप आउटसाइड बनाया जाता है रेप में, या फिर अदर स्टेट में, अदर सिटी में बनाया जाता है, क्योंकि दुबई स्पेशल टूरिस्ट के लिए है और बहुत ही बड़ा सिटी है, तो वहाँ पे तो लेबर कैंप हर किस बनेगा नहीं। तो बस यही है, अगर आप आते हो तो आप यहाँ से फुल डिटेल्स ले लो, तभी आप यहाँ पे आओ, ताकि आपको जानकारी हो कि मैं इस सिटी में जा रहा हूँ, तो उसके बारे में आप पहले से ही तैयारी करके आओ, और उसके बारे में आप जांच कर सकते हो कि उस एरिया में कैसा है एरिया, अच्छा है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।